वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का एक्सप्लोडिंग फायरवर्क बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं फाइल में जा रहा हूँ, न्यू पे क्लिक करते हुए 1000x1000 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। रेजोल्यूशन इसकी 300 टाइप करेंगे। बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक सेलेक्ट कीजिएगा और ओके पे क्लिक करते हुए न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। इसके बाद इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट हम यहां से जाएंगे फिल्टर में, नॉइज़, और यूज़ करेंगे ऐड नॉइज़। यहां आने के बाद इसकी अमाउंट मैं यहां पे 20 टाइप करूंगा। गॉसियन सेलेक्ट रखिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहां से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहां से यूज़ करेंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड लेवल आप यहाँ पर 130 के आसपास टाइप कीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, स्टाइलाइज, और इस बार यूज़ करेंगे विंड। यहाँ विंड में आने के बाद मेथड में आप विंड ही सिलेक्ट रखिएगा, डायरेक्शन में फ्रॉम टू राइट सेलेक्ट रखिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए। हमने ये विंड का इफेक्ट दो दफ़ा और अप्लाई करना है। इसके लिए फिर से जाएंगे फिल्टर में, आपको सबसे ऊपर विंड का ये इफेक्ट दिख रहा होगा जो कि हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए ऑल्ट कंट्रोल एफ भी प्रेस कर सकते हैं आप। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। एक दफ़ा और अप्लाई करेंगे, इस दफ़ा मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एंड एफ प्रेस करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम इस लेयर पे फिर से राइट क्लिक करते हुए इसे फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा, इसकी सिलेक्शन बना लीजिएगा और इसको हमें रोटेट करना है 90 डिग्री पर। ये देखिए, इसको मैं इस तरह से 90 डिग्री पर रोटेट कर दूंगा और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट, और यूज़ करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ आने के बाद आप रेक्टेंगल टू पोलर सेलेक्ट रखिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारी शेप बन चुकी है। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी बाहर की तरफ, इनको एडजस्ट कर लेने के लिए आप यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कीजिए जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ से पेंसिल टूल सेलेक्ट करते हैं, इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। यहाँ से इसकी हार्डनेस को आप 100% कर दीजिएगा। कलर आपका ब्लैक सेलेक्ट होना चाहिए। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ और इन एरियाज पे इस तरह से पेंट कर देंगे। इन लाइंस को इस तरह से आप पेंट कर दीजिएगा। यहाँ से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। अब आप इन दोनों लेयर्स को फिर से सिलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक करते हुए इसे फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिए। इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, आप यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा, इसकी सिलेक्शन बनाइए। इस बार हम इसको रोटेट करेंगे लेकिन 45 डिग्री पे करेंगे। ये देखिए मैं इसको यहाँ से 45 डिग्री पे करता हूँ और इसको रिसाइज करेंगे, यानी थोड़ा छोटा भी करेंगे। ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए प्रोपोर्शनली इसको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना, हमने ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें लाइटिंग ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोरग्राउंड कलर वाइट कर लीजिएगा। आप यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए इसको स्वैप कीजिए या अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिएगा। ये देखिए फोरग्राउंड कलर वाइट हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट में आने के बाद इसके स्टाइल को चेंज कीजिएगा, यहाँ से यूज़ करेंगे रेडियल। एंगल को 90 डिग्री रखेंगे, स्केल को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 100 ही रख रहा हूँ। ग्रेडियंट के इस बार पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से बेसिक्स में जाएंगे और यहाँ से वाइट एंड ट्रांसपेरेंट वाला सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से एक तरफ वाइट सेलेक्ट है, इसको हमें वाइट ही रखना है। इस वाले स्लाइडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा। आप साथ साथ विजिबिलिटी देख सकते हैं जिस तरह से आपको बेहतर लगे। ये देखिए अगर मैं इसको ब्लैक की तरफ लेके जाता हूँ तो ये आप व्यू देख सकते हैं साथ साथ। मैं इसको ग्रे में रखूँगा, ऑलमोस्ट इतना रखते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से भी ओके पे क्लिक कर देंगे। हमें इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करना है। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे लीनियर डॉज। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम करूँगा, यहाँ पे मैं 85 टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें कलर ऐड करेंगे। इसके लिए हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और फिर से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट।
फिर से ग्रेडियंट की बार पे क्लिक करेंगे और इस बार आप कलरफुल को सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ से ये पर्पल वाला सिलेक्ट करता हूँ, ये फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन हेड्स पे क्लिक करते हुए कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके स्टाइल को भी चेंज करेंगे, यहाँ से रेडियल यूज़ करेंगे, एंगल 90 डिग्री और स्केल को मैं 100% रख रहा हूँ। ये वैल्यूज़ देने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। हमें इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करना है, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और इस बार यूज़ करेंगे कलर। नेक्स्ट हम इसके कैनवस के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। इसके लिए यहाँ से जाएंगे इमेज में और यूज़ करेंगे कैनवस साइज़। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से इसके पिक्सल सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने इसका साइज़ 1000x1000 रखा था, हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 1500 टाइप करता हूँ और यहाँ पर भी 1500 टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें एक न्यू लेयर ऐड करनी है जो कि इससे भी नीचे हो। सबसे नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। इस लेयर में हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा और इसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे। अब आप इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इन तमाम लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है। इस पर राइट क्लिक करते हुए इसे फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसको किसी इमेज में एडजस्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये देखिए ये वाला एक इमेज ओपन है। आप इस तरह का इमेज कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से PSD डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ वापस आएंगे और मूव टूल पर रहते हुए इसको यूँ ड्रैग कीजिएगा और इस इमेज में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। अब मूव टूल पर रहते हुए आप इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पर रखूँगा। नेक्स्ट हम इसकी कॉपीज़ भी बनाएंगे। मुझे और कॉपीज़ भी यहाँ एडजस्ट करनी है, लेकिन कॉपी बनाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इसकी कॉपी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम कंट्रोल जे प्रेस करते हुए स्मार्ट ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएंगे तो किसी एक में अगर हम चेंजेस करेंगे तो वो बाकी सब में भी चेंजेस कर देगा। इसकी कॉपी बनाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी। ये देखिए कॉपी बन चुकी है, इसको मूव करेंगे, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। इसके लिए मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करूँगा। यहाँ अंदर आने के बाद ग्रेडियंट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ से इस बार ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। इस डॉक्यूमेंट को हम बंद करेंगे और यहाँ से यस करते हुए इसको सेव कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने सेव कर लिया और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं इसके कलर्स चेंज हो चुके हैं। इसी तरह मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊँगा, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बाय कॉपी, और इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ सेंटर में। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा भी करूँगा, रिसाइज करेंगे इसको और यहाँ रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसका कलर भी चेंज करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और यहाँ आने के बाद इस बार मैं यहाँ से ऑरेंजेस में जाता हूँ और ये वाला सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर से इसको बंद कर देंगे और यहाँ से यस करते हुए इसको भी सेव कर लीजिएगा। ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो चुका है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको जहाँ भी प्लेस करना चाहते हैं कर लीजिएगा और इस तरह से आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हुए जितने भी एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।